देखिए, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं उनको मेरे तरफ से, पूरे शहर के तरफ से ढेर सारे बधाइयाँ दूंगा। आज उनके जन्मदिन पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुछ सेवा के कार्यक्रम आए हुए हैं, जो 17 से लेके 2 अक्टूबर तक डेली बाय डेली जो भी सेवाएं हैं वो हमें कार्य करनी है। आज से हमने शुरुआत की है, जो सेंट्रल हॉस्पिटल है वहाँ पे मरीजों को, पेशेंट को, डिलीवरी पेशेंट्स को, सबको फ्रूट वाटर का कार्यक्रम रखा है। हमारे जिला अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी, नगर सेवक मय सुखरामानी जी, जनरल सेक्रेटरी मनु खेमचंदानी जी और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सुमित मरोलिया जी, पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष विक्की मेंगानी जी और सभी पदाधिकारी, अर्चना करण काले, मीना एलानी, काफ़ी सारे महिलाएँ यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, सभी ने आज यहाँ पे फ्रूट वाटर किया। न सिर्फ सेंट्रल हॉस्पिटल लेकिन हमारे उल्लासनगर में अन्य जगहों पे, जहाँ जहाँ पे भी आज हमें लगता है कि ये सेवा करनी चाहिए, वहाँ पे सेवा के कार्य हो रहे हैं। डेली हम सेवा के कार्य आज के बाद में शुरुआत कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सभी को नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हमें पक्ष की तरफ से पूरे शहर में कहीं पर भी बैनर मोदी जी के जन्मदिन का नहीं लगाना है। हमें सिर्फ सेवा के कार्य करने हैं। यह मोदी जी का आदेश भी है और पक्ष का आदेश भी है। आज 17 सितंबर से मोदी जी के जन्मदिन से शुरू करके 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन तक, महात्मा गांधी जयंती तक हमारे 15 दिन के सेवा के कार्यक्रम शुरू रहेंगे, जिसमें कई सेवा के कार्यक्रम हैं। जैसे युवा मोर्चा को अलग और महिलाओं को अलग, सभी को अलग अलग कार्यक्रम बांट के दिए गए हैं। सभी प्रमुख बनाए गए हैं। युवा मोर्चा पूरे शहर में कई स्थानों पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएंगे। सेवा के, चिकित्सा के माध्यम से अलग अलग सेवाएँ दी जाएंगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के कई कार्यक्रम किए जाएंगे और प्रदर्शनियां लगा करके लोगों को मोदी जी के कार्यों से अवगत कराया जाएगा, ताकि हमारे नौजवान बच्चे भी प्रेरणा ले सकें। इस प्रकार कई सेवा के कार्यक्रम हमारे पास हैं। डेंटिस्ट कैंप हम लगाएंगे, चश्मा वाटप की कैंप लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम 15 दिनों तक निरंतर चलते रहेंगे। करीब करीब 100 से भी ज़्यादा कार्यक्रम उल्लासनगर जिला के अंदर होंगे। और आज यहाँ पर हमारे आमदार कुमार ऐलानी जी ने शुरुआत करते हुए सरकारी दवाखाने के अंदर और अन्य कई स्थानों पर गरीब लोगों को फल वाटप किए, और यहाँ पर जो पेशेंट हैं उनका आज मुआयना भी किया, भाई सरकारी दवाखाने के अंदर लोगों को सेवाएं किस प्रकार मिल रही हैं। हमारे मोदी जी का एक ही आग्रह है कि शासन की तरफ से जो सेवाएं लोगों को दी जा रही हैं वो सही तरीके से पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं, उनमें क्या दिक्कत है। हमने यहाँ तक कोशिश की है कि जो सरकारी दवाखाने के अंदर डिलीवरी सेक्शन है, तो हम एक वर्ष के अंदर जांच करेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में कितने बच्चे हुए, बच्चों ने जन्म लिया, और सरकारी दवाखानों में कितने बच्चों ने लिया। सरकारी दवाखानों से लोग दूर क्यों जाते हैं? हम अनेक तरह की सुविधाएं देकर के सरकारी दवाखानों में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पेशेंट हैं वो प्राइवेट में न जाकर, खर्चा न करके मुफ्त की सेवाएँ ले सकें। हमने यह भी, हमारे आमदार कुमार ऐलानी जी ने कोशिश की है कि हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना सकें। यहाँ पर 200 बेड हैं। महानगर पालिका की एक सरकारी दवाखाना हमारा बना है, उसमें 200 बेड हैं, शुरुआत करने वाले हैं। और यहाँ पर कामगार हॉस्पिटल में 150 बेड और यहाँ पर मिला करके ये 500-550 बेड का एक दवाखाना उल्लासनगर के अंदर होगा। आसपास के लोग इसका लाभ लेंगे। और यहाँ पर हम मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने केंद्र शासन और महाराष्ट्र शासन से भी निवेदन किया है। मुझे यकीन है कि यह कार्य बहुत जल्द पूरा होगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।